बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम के शुभारंभ के मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने की बात कही। मंत्री सिंधिया का कहना था कि बेहतर माहौल के बीच ही खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का मौका मिले। इंदौर में बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ के मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खेल के क्षेत्र में लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया। खेल मंत्री ने उपलब्धियों का बखान भी किया और खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने की बात भी कही। उनका कहना था कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए फोकस और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ऐसे में खिलाड़ियों को अच्छा माहौल देना ही उनके विभाग का मकसद है। ये एक ऐसी विधा है जिसमें फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी हाइट और कई चीजों पर ध्यान देनी है, तभी हम उस कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के स्तर पर आएंगे। तो जब ऐसी चीजें आती हैं जहां दो आउटडोर दो इंडोर, साई का कोच हरविंदर सिंह, हमारे विक्रम अवॉर्डी, ये सब लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली विद इन द ईयर आप देखोगे कि कितनी चेंजेस आएंगी हमारे बास्केटबॉल कम्युनिटी। हालांकि इंदौर के नेहरू स्टेडियम में हालातों को सुधारने के लिए जब खेल मंत्री से सवाल किया गया तो वे इस मामले में ट्रस्ट से चर्चा करने की बात कहती हुई नजर आई। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी खेल मंत्री ने खेल के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अक्सर ये बात सामने आती है कि खिलाड़ियों को बगैर संसाधनों के ही मैदान में उतरना पड़ता है और विपरीत हालातों में ही खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।